गाइस वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज के इस वीडियो में मैं डीआईवाई मेकअप प्रोडक्ट सीरीज की सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ डीआईवाई क्लेंजिंग मिल्क रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यू तो क्लेंजिंग मिल्क बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है, बट खुद का बनाना थोड़ा इंटरेस्टिंग है और फन भी। साथ ही साथ विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं विंटर्स में अवॉइड करती हूँ बार बार फेस होना। तो ये क्लेंजिंग मिल्क के मदद से अगर आप फेस साफ करते हैं आफ्टर अ हैवी मेकअप और रात को सोने से पहले, जिससे आपका फेस ज़्यादा ड्राई आउट नहीं होता है। प्लस ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यू विल जस्ट नीड फ्यू इन्ग्रीडियंट्स और आपका DIY क्लेंजिंग मिल्क रेडी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्लेंजिंग मिल्क को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर, जो क्रीमी कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए, लोशन जैसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पॉन्ड्स यूज किया है। आप बाजार में अवेलेबल कोई भी लोशन यूज कर सकते हैं, जैसे आयुर मिलता है इजीली, हिमालया की मिलती है बहुत सारी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट हमें चाहिए स्वीट आलमंड ऑयल, इसके जगह पे आप ग्लिसरीन या एक कैप्सूल विटामिन ई के भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लास्टली हमें चाहिए होगा गुलाब जल। गुलाब जल से क्लेंजिंग मिल्क लिक्विफाई होती है और इसकी कंसिस्टेंसी थिन हो जाती है, जैसे हमें चाहिए। रोज वाटर में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे हमारा फेस डीप क्लेंज हो जाता है। इसे स्टोर करने के लिए हमें एक क्लीन और एम्प्टी बॉटल चाहिए होगा इस टाइप का। इस क्लेंजिंग मिल्क को हम डायरेक्टली बॉटल में ही बनाएंगे और फिर बॉटल को आधे से थोड़ा कम बॉडी लोशन से भर देंगे। गाइस मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने बॉटल को आधे से थोड़ा कम लोशन से भर लिया है और रेस्ट जो प्लेस बचा है बॉटल में उसे मैं गुलाब जल से फिल कर लूंगी, थोड़ा सा जगह छोड़। अब करीब इसमें आधा छोटा चम्मच बादाम का तेल या स्वीट आलमंड ऑयल डाल दूंगी। फिर बॉटल के ढक्कन को अच्छे से लगा के इसे जोर से शेक करना है, ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मेरा DIY होममेड क्लेंजिंग मिल्क बिल्कुल तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करें इसे, फिर आप शायद कभी ना खरीदोगे बाहर से क्लेंजिंग मिल्क। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ अपने हाथ पे, जो अमेजिंग है। मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे थोड़ा फाउंडेशन, बीबी क्रीम, कंसीलर और लिप बाम वगैरह लगा लिया है और इसके बाद मैं इसे वाइप आउट करूंगी DIY क्लेंजिंग मिल्क से। मेकअप वाले एरिया एज इन अपने फेस पे थोड़ा सा क्लेंजिंग मिल्क डाल लें और फिर उसे जेंटली रब करें। एक टिश्यू या कॉटन बॉल ले लें, फिर उसे वाइप आउट कर लें उससे। फिर आप क्लियरली देख पाएंगे कि पूरा मेकअप इस टिश्यू पे निकल आया है, विच इज अमेजिंग। आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइस।